ये पंजिम बस स्टैंड है, लोकल बस स्टैंड भी, और अगर पंजिम से बाहर जाना हो तो अब यहाँ से मैं मडगांव बस स्टैंड के लिए बस लूँगा, और फिर मडगांव बस स्टैंड से आपको मडगांव में लोकल कहीं जाना हो वहाँ के लिए बस मिलेगी, या पायलट जो मैंने बताया वो सब मिलेगी। इतना बड़ा हमारा सिटी, इतना बड़ा तो गोवा स्टेट होगा। बसें देखो सब छोटे साइज की बसें हैं, आबादी में भी ये इंडिया के चौथे नंबर पे आता है सबसे कम आबादी में। फिर बस स्टैंड है, क्राउड भी नहीं है इस समय, 8:30 बज रहे हैं सुबह के। तो कॉस्ट कटिंग अगर आप करने वाले हो तो आप कर सकते हो। पूछना पड़ेगा मडगांव के, मडगांव के लिए बस यहीं से मिलेगी, पीछे की तरफ से अंदर। अच्छा अच्छा ये लोकल बस स्टैंड है मडगांव, वही इंटरस्टेट वाला जो पंजिम से बाहर जाने के लिए जो बसें होंगी वो आपको अंदर की तरफ से मिलेगी, मतलब वो अंदर वो आप लोग टैक्सी। ये लोकल बस स्टैंड था जहाँ पे मैं उतर रहा हूँ, और अब मैं जहाँ एंटर कर रहा हूँ ये है पंजिम का समझ लो इंटर सिटी, या इंटर सिटी बस स्टैंड, मतलब जो शहर के गोवा स्टेट के अंदर ही शहरों में जाने के लिए। ये मडगांव के लिए बस कहाँ से मिलेगी? उस साइड पर, इधर से। थैंक यू। ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है, सिर्फ चाय पी है, पर मैं पहले मडगांव पहुंच जाऊं। मेरे पास अभी 8:30 हो रहे हैं, टाइम बच जाएगा काफ़ी, उस समय वहां पे कुछ देखूंगा खाने को, क्योंकि मैंने दुरंतो ट्रेन में टिकट बुक करी है, उसमें फूड इंक्लूड है। ये वड़ा पाव तो लिखा है पर वड़ा दिख नहीं रहा, इसका मतलब इनके पास होगा नहीं, मेरा अंदाज़ा है। अच्छा ये रहना दक्षिण गोवा बसेस, इंटर साउथ गोवा बसेस, मडगांव साउथ गोवा में आता है, तो इसी साइड में मुझे मडगांव की बस मिलेगी। रूम मडगांव के लिए डायरेक्ट टिकट मिल जाएगी, कितना? एक 40 रुपये। 30 ये लो 40 रुपये। 145 बस आता है, 145। थैंक यू। 145 कौन सी है? 145 आएगा। अच्छा ₹40 की टिकट है मेरी, तो आप ये समझ लो 10 रुपये में मैं यहाँ आया पंजिम बस स्टैंड, यहाँ से मैं 40 रुपये में मडगांव, और वहाँ से स्टेशन पास में है, लोग कहते हैं पैदल भी जा सकते हो, जैसे मुझे आदत है पैदल चलने की कई किलोमीटर, पर अगर ये आ गई हुई 145, बस नंबर नहीं बताया उन्होंने, बस का नंबर बताया, एक रूट नंबर होता है बस का, इन्होंने बस का वो रजिस्ट्रेशन नंबर बताया 145 बताया, ठीक है मेरे हिसाब से हाँ रजिस्ट्रेशन ही नंबर है, और इसमें खाली है तो कोई अच्छी सी सीट देख के बैठ जाऊँगा। हाँ तो मैं कह रहा था आपसे वहाँ से 10-20 रुपये, मतलब 50-60 रुपये में, 50-60 तो नहीं, मतलब 100 रुपये के अंदर अंदर में पहुँच जाऊँगा, ले लिया 100 रुपये के अंदर पहुँच जाऊँगा। वैसे टैक्सी 1100 रुपये लेती, पायलट 600 रुपये मांग रहा था डायरेक्ट उतारने के, बस देख लो कि लेडीज सीट इधर बैठ जाता।
मैं इस समय मडगांव के सिटी बस स्टैंड पे हूँ और मैंने एड्रेस पूछा है, आगे से बस जाएगी यहाँ से स्टेशन के लिए। पास में बाहर पायलट भी खड़े थे काफ़ी सारे, जो उनसे भी जा सकता हूँ और बस से भी जा सकता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। मैं 2 घंटे पहले आ गया। अभी मैं मडगांव बस स्टैंड से बस लेकर के जो रेलवे स्टेशन के बाहर वाले रोड पे उतर गया हूँ। ये मडगांव है, ये पायलट खड़े हैं जो मुझे आवाज़ें लगा रहे कि स्टेशन तक छोड़ दें, पर मुझे पता है कि स्टेशन पास में और मुझे पैदल चलने की आदत है। छोटा सा शहर है गोवा, स्टेट है, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, पायलट फैसिलिटी ही बहुत अच्छी है, हर जगह दिख जाती है, ट्रैफिक नहीं है सड़कों पे बहुत ज़्यादा, जाम नहीं मिला मुझे भी 12 दिन के अंदर गोवा में। लोग कोऑपरेटिव है, एड्रेस पूछो सही बताते हैं, लिफ्ट भी दी हुई मैंने मांगी थी एक बार, लिफ्ट मांगी एक से तो उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी और मेरे होटल के बाहर तक मुझे छोड़ा जहाँ मैं रुका था, और सही गाइड भी किया उन्होंने। स्टेशन इधर है ना, और गाइड भी किया और उन्होंने बोला कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, आप बेफिक्र होकर किसी से भी पता पूछना, कोई आपको गलत नहीं बताएगा। और उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा दिल्ली से, तो थोड़ा सा कह रहे दिल्ली को लेके उन लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, पता नहीं क्यों, कहते वहाँ के लोग लड़ते क्यों इतना ज़्यादा सड़कों पे और वैसे। मैंने कहा कुछ नहीं जी, वहाँ के लोग थोड़े क्रांतिकारी टाइप के, एग्रेशन ज़्यादा होता है उनमें, बस फ़र्क ये है कि वो बॉर्डर पे नहीं निकालते हैं, वो सड़कों पे निकालते हैं। अब वक्त है गोवा को अलविदा कहने का, और मुझे कोई बहुत महंगा भी नहीं लगा, जबकि अभी लोग कह रहे कि सीज़न चल रहा है, मतलब शुरू हो गया है सीज़न, क्योंकि क्रिसमस आने वाला 10-12 दिन बाद, तो गोवा मुझे कोई बहुत ज़्यादा महंगा लगा नहीं सीज़न के आसपास भी। अभी थोड़े से प्राइस बढ़ेंगे जब, और जैसे 25 दिसंबर पास आएगा, पर ओवरऑल आप एक बजट टूर प्लान करें तो बड़े आराम से हो सकता है। नेपाल की तरह 2 चीज़ें कॉमन है, शराब की दुकानें बहुत हैं और मैक्सिमम जगहों पे लेडीज़ काम करती है, लड़कियां, फीमेल ज़्यादा है वर्किंग में, पब्लिक मतलब दुकानों में, इवन वाइन शॉप पे भी लड़कियां हैं, और शराब की दुकानें तो बेहद ज़्यादा है ही हैं। गोवा में काजू सबसे ज़्यादा पैदा होता है, काजू से बनने वाली शराब फैनी, यहाँ की जो लोकल देसी दारू कहते हैं जैसे फैनी, और काजू की अच्छी पैदावार होती है, अच्छी क्वालिटी के काजू मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि काजू सस्ते होंगे, ऑलमोस्ट बराबर का रेट ही है, बस ये कि फ्रेश काजू मिल जाते हैं। मैंने लिए हैं थोड़े से अपने घर के लिए, रोस्टेड काजू होते हैं, छिलके वाला काजू तो जैसे छील के खाना होता है। आपको हर जगह हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, शांति। देखो ये स्टेशन का रोड है तब ये हाल है, पंजिम जो नॉर्थ गोवा में है, जो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे भी मुझे कोई ट्रैफिक जाम या शोर शराबा हो लड़ नहीं मिला। तो ये तो साउथ गोवा में हूँ मैं इस समय, अगर आपको शांति चाहिए तो आप साउथ गोवा में आओ, और टूरिस्ट प्लेस और इन्जॉय करना है, नाइट लाइफ जीनी है तो आपको नॉर्थ गोवा। ये स्टेशन का साइज देखो, ये इंटरस्टेट स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है,
जैसे दिल्ली में है नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन। और इस स्टेशन को देख के आपको लगेगा कि ये जो मुंबई के लोकल ट्रेन के जो स्टेशन होते हैं उससे भी छोटा है, मतलब मुंबई में लोकल ट्रेन के स्टेशन भी इससे कई बड़े, काफ़ी बड़े और बहुत क्राउडेड होते हैं। एक बड़ा पाव खाऊंगा क्योंकि फिर वहाँ मिलेगा नहीं, हालांकि ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, बहुत लोग टूटते हैं, पर मैंने कहा था ना देशकाल पात्र देशकाल परिस्थिति, जिस चावल को नॉर्थ में कल ठीक नहीं समझा जाता हेल्थ के लिए, श्रीलंका साउथ में वही चावल सबसे बेस्ट माना जाता है, मतलब खाते लोग। और जिस मैदे को हम जहर मानते हैं नेपाल में, चाइना में, या ट्रैकिंग करते टाइम, या हिल स्टेशन में, इवन इंडिया में भी, हिमाचल वगैरह में, वही मैगी जीवनदायी है, वही नूडल्स लोग खा खा कर जिंदा रहते हैं। एक बड़ा पाव खाता हूँ और फिर चलता हूँ, ट्रेन को भी टाइम है, अभी 10:45 हो रहे हैं, ट्रेन मेरी 12 बजे की है, 1 घंटे का मैं मार्जिन हमेशा लेके चलता हूँ। प्याज दे दिए, मुझे निकलवाने पड़ेंगे। शक्कर बनते तो शक्कर डालेगा नहीं, शक्कर डाल के दोनों को शक्कर कम डाल हाँ थोड़ा। अभी मैं बड़ा पाव खा रहा था, एक आदमी अपने जेब में पता नहीं मोबाइल में गाने सुन रहा था, कि रेडियो तो शायद होगा नहीं, देखो कितनी सारी पायलट खड़ी है। मुझे सर्विस अच्छी लगी, मुझे अपने यहाँ भी गलती ओला उबर बुक करनी पड़ती है अभी ये बिना बुक के। तो मैं बता रहा था हाँ, वो अपनी जेब में जो भी जिस भी चीज़ में गाने सुन रहा होगा, तो गाने ये चल रहे थे पुराने पुराने गाने, एक मेरा नाम जोकर का था, और एक ये ऐसे छोटी जगहों पे ही आपको इस तरह के चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैं राजस्थान में जाता हूँ बालाजी या कैला देवी करौली के पास, तो वहाँ पे लोग अपने मोबाइल में पिक्चर देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं। देखो मेरा बैग, देखो कितना बड़ा बैग लेके घूम रहा हूँ, कम से कम इसका वजन इस समय 20 किलो के आसपास होगा, 20 तो नहीं 18 किलो होगा, क्योंकि वो मेरा एयरबुक पे वेट हुआ था बैग का, तो 16.5 किलो आएगा, 15.5 किलो, तो 15.5 किलो आया था, तो इस बार मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मडगांव रेलवे स्टेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है इस बार, तो होगा 17-18 किलो का वजन। ये मेरा जी जीवन संगीत, प्लेटफॉर्म नंबर 4 ये है, अगर इस पे आना है आई तो मुझे वापस आना पड़ेगा। चलो देखते हैं दुरंतो। ये मेरा जी जीवन संगी कभी कभी कुली भी नहीं है जिससे पूछो, पर उतरने से पहले पूछ लूँगा, क्योंकि अपना बैग वो नहीं है ना पहियों वाला ट्रॉली बैग, कंधे पे ढोना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 2 नंबर पे आ सकती है, क्योंकि ये फैमिली बैग वैग लेकर के उतरी है 2 नंबर पे,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्थ साइड के हैं और ट्रेन अभी घंटे बाद यहीं आने वाली है, दो या तीन नंबर पे होगी। ये एक नंबर पे ट्रेन खड़ी है, टिकट मेरी वेटिंग में थी पर कंफर्म हो गई है। खाना वगैरह तो अंदर मिल जाएगा। हाँ जी, मैंने वैसे तो गर्म कपड़े पहन लिए हैं, मतलब जो मेरे मैंने पजामा पहना है वो गर्म पजामा पहना है और टी शर्ट भी गर्म पहनी है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे बहुत गर्मी है तो मुझे इस वक्त पसीने आ रहे हैं। पर मुझे मालूम है कि जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी नॉर्थ की तरफ तो वहाँ पे इस समय बहुत ठंड पड़ रही होगी दिल्ली में, और मैंने कुछ गर्म कपड़े ऊपर की तरफ रखे हैं, अगर ठंड बढ़ी तो मैं वो पहन लूँगा। वैसे मुझे एक ब्लैंकेट और एक बेडशीट, दो बेडशीट मिल जाएगी रूम में। दुरंतो, दुरंतो से जाना आपने? मालूम कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी पता है आपको? सेकंड पे आएगी। सेकंड पे? मैं पूछ रहा हूँ, दुरंतो यहीं आएगी पता नहीं। एक घंटे बाद वही ट्रेन आ रही है और यहाँ कौन सी बहुत ट्रेनें आ रही होंगी। जीवन संगी कल भी कोई दोहराएगा, जग में क्या है बोल गाने के मन में कि भेस बदल कोई आए। अनाउंसमेंट सुनने का, अनाउंसमेंट हो जाएगा अभी नहीं है बोला। दुरंतो का क्या कह रहे हैं, अनाउंसमेंट सुनना पड़ेगा। हाँ पता नहीं, फिक्स नहीं उसका। हाँ वो अभी मैं नेट पे चेक करूँगा, अभी यहाँ का तो प्लेटफॉर्म शो नहीं है, नहीं बता रहा ना अभी। अभी तो टाइम भी है ना, एक घंटा दस मिनट है अभी दिल्ली।